पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग एनसाइक्लोपीडिया लेकर हाजिर हूँ, गुफ्तगू करेंगे बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, इनकी गैर मामूली सेहत के हवाले से। जद्दी घुटनों और तमाम हड्डियों पर हुकूमत करता है, इसलिए इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले जद्दी अफराद इन हिस्सों में कोई भी तकलीफ़ जो है वो महसूस नहीं करते और ना होती है। आप में से अक्सर अफराद ये नहीं जानते कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक बकरा खूंटे पर खड़ा हो सकता है और इसका पाँव नहीं फिसलता। इसके अलावा जद्दी अफराद अपनी ग़िज़ा के मामले में बड़े गैर मुहतात होते हैं। आप दूसरे लोगों के बरखिलाफ़ घास खाकर भी ज़िंदा रह सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका वज़न बढ़ जाए तो आप दूसरे बुर्जों के मुकाबले में ज़्यादा अरसे तक कम ग़िज़ा पर गुजारा कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के बाद कसरत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आम तौर पर आपकी सेहत बड़ी हैरत अंगेज़ होती है, अगरचे खुफिया तौर पर आप इस बात के ख्वाहिशमंद रहते हैं कि डॉक्टर के पास जाकर ये मालूम करें कि आपकी सेहत कितनी अच्छी है। बुर्जे जद्दी के ज़ेरे तहत पैदा होने वाले अफराद की ख़ास बात यह है कि ये अपनी उम्र से ज़्यादा पुख्ता उम्र नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।